एमसी जी, मेरा नाम प्रीति है, मैं लेर कला की रहने वाली हूँ। मेरी जिंदगी की गवाही ये वा कि मैं साल तो बीमार सी, जो भी छेवें सत्तवें महीना आता सी तो मेरा सह रुक जाता सी, इतों तक कि डॉक्टर भी मेरे बारे पता नहीं सी लगता भी की प्रॉब्लम आ मैं। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हाँ कि वह डॉक्टर का डॉक्टर है, तो उसने ही मेरी ये प्रॉब्लम ठीक की है। जो पास्टर जी ने मेरे को ले हैंड किया, मैं पिछले संडे आई थी, मेरे परमेश्वर ने मैंने चंगियाई दी, उस परमेश्वर का मैं अपने दिल तो धन्यवाद करती हाँ कि उसने मैं इस योग्य बनाया कि मैं उसके नाम की गवाही दे सकता। डॉक्टर डॉक्टर कुछ नहीं सी दस दें, कहें चिंता करते हो किसी गल की, तो मैं कोई किसी गल की चिंता नहीं सी करती हैगी। उन्होंने जाने की प्रॉब्लम दे मेरे बारे पता ही नहीं सी लगता कि मैंने की प्रॉब्लम आ। रिपोर्टा च कुछ नहीं सी आता, रिपोर्टा सिर्फ सारिया नॉर्मल ही आदि सी, जिन्या भी रिपोर्टा करवाइया सारिया नॉर्मल ही आईया मेरिया, तो डॉक्टर कहते चिंता करती है इस करके इनू सांस रुकन की प्रॉब्लम आती है। जिस समय एडमिट होने वीकनेस शरीर मैनू इतों तक यह हों कि मेरा शरीर जिस तरह एक मुर्दा हो गया, इतों तक मेरी बाँह भी चुकी नहीं सी जाती होंगी अपने आप को, तो ना मेरे को तुरिया ही जाता हूँ, मैं किसी ना किसी का सहारा लैके फिर ही मैं तुरती सी, इस तरह मेरे को अपने आप तुरिया नहीं सी जाता, इतों तक मैं बाथरूम के बच्चे भी नहीं सी अपने आप जा सकती। जिस दिन तुम एडमिट हुए हॉस्पिटल उस दिन की कंडीशन थी? उस दिन मेरी बहुत माड़ी कंडीशन ही थी, तो डॉक्टर कहते भी जानू तुम अमृतसर लै जाओ उत्थे, उतो तुम यदा ट्रीटमेंट करवाओ, तो उस तो बाद साढ़े परिवार वाले कहें भी इन बटाले हॉस्पिटल लै जाने, तो उ भी डॉक्टर का यही सवाल से कि इन चिंता वा किसी चीज़ की, तो ये चिंता करती है, तो मैं किसी गल की उन्होंने ये कहा कि मैं डॉक्टर साहब मैं किसी गल की चिंता नहीं करती हैगी, उन्होंने बस मैं हर डॉक्टर को मैं यही जवाब मिले भी ये चिंता करती है। उन्होंने जाने की मेरी प्रॉब्लम के बारे पता ही नहीं से लग रहा, मैं खुद ही चिंता के बच्चे कि इतों तक कि डॉक्टर क्यों नहीं पता लगता कि मेरे में की प्रॉब्लम आ की नहीं आ, तो मेरे परमेश्वर ने मैं बचा के रखा, उसने ही मेरी प्रॉब्लम का हल किया, तो मैं अज इस जगह के आई हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हाँ। हालेलुया। समय तो एक साल तो दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम सी, जिन्होंने कहते डेथ पीरियड, वो इन्होंने अटैक कर रही थी, हो सकता वो मौत भी हो सकती सी उस दिन, और जिस दिन इन्होंने फोन पर प्रेयर कराई परमेश्वर ने दस कि डेथ पीरियड इन्होंने की कर रही है, अटैक कर रही है, इन्हों कैंसल कर, और उस समय कैंसल किया और फोन दोबारा आया कि बिल्कुल ठीक ने, और सड़े पिछले सड़े ले हैंड प्रार्थना के द्वारा खुदा ने इन्हें नवी जिंदगी के नाल आशीष की। हालेलुया। आज तुहाडे दरम्यान खड़े ने परमेश्वर दी जिंदा नूं।